नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रही और वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आंख दिखाई। अब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को उनकी बगावत और खिलाफत इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें साइडलाइन कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये किस्सा शुरू हुआ वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए, जब ललित मोदी प्रकरण में उनका नाम आया तो आलाकमान ने उन पर लगाम कसने की कोशिश की, लेकिन महारानी साहिबा को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने 100 से भी ज्यादा विधायकों के साथ आलाकमान को आंख दिखा दी और कह दिया कि उनको हटाया गया तो अपने दम पर तीसरा मोर्चा बनाकर राजस्थान की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। आलाकमान अपनी इसी हालत लेकर चुप बैठ गया, लेकिन वसुंधरा राजे उनकी आंखों में खटकती रही। राजस्थान से भाजपा सरकार चली गई। आलाकमान ने वसुंधरा राजे को दरकिनार करना शुरू कर दिया। जयपुर के कलेक्ट्रेट पर हुआ प्रदर्शन तो आपको याद ही होगा। इस प्रदर्शन से राजे की फोटो तक हटा दी गई थी। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजस्थान में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई, उसमें भी राजे की अनदेखी की गई। उनकी मर्जी के बिना सतीश पूनिया को अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यसभा चुनाव में भी उनकी नहीं चली। भाजपा में जो भी नियुक्तियां होने लगी वो वसुंधरा की धुर विरोधियों की हुई। आलाकमान ने कई बार वसुंधरा राजे को दरकिनार किया और ये सिलसिला सिर्फ आलाकमान तक ही नहीं रुका, बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जब संगठनात्मक नियुक्तियां की उस दौरान भी वसुंधरा राजे और राजे खेमे को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। कहा जाता है कि घायल शेर खतरनाक होता है, लेकिन एक कहावत यह भी है कि घायल शेर से ज्यादा घायल शेरनी खतरनाक होती है। अब देखना यह होगा कि भाजपा की यह शेरनी क्या सिर्फ घुर्रा कर रह जाती है या फिर अपने पंजे से अपने आत्मसम्मान को वापस ले आती है। इसी तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। नमस्कार।